दोस्तों, इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा सॉलिटरी रीपर, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम है। मैं इस पोयम के टाइटल के बारे में और इस पोयम के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं इस पोयम का। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये पोयम एक बैलेड है। बैलेड का मतलब होता है अ लॉन्ग सॉन्ग और पोयम दैट टेल्स अ स्टोरी, मतलब कि एक लंबी पोयम जो सोच समझ के नहीं लिखी जाती। कहने का मतलब है, एक सोनेट को जिस तरह से हम लोग 14 लाइनों में फिट करते हैं, जो भी हम बोलना चाहते हैं वो 14 लाइनों में फिट होता है, वैसे एक बैलेड अपने फ्लो में बहती जाती है। ये पता नहीं होता कि ये कितनी लंबी होगी। जैसे सोनेट का हमको मालूम होता है कि ये 14 लाइनों की होगी, लेकिन बैलेड में कह नहीं सकते ये कितनी लंबी होगी। ये पोएट के मूड पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको 1805 में लिखा गया और 1807 में इसको पब्लिश करवाया गया। ये पोयम 4 स्टैंजास की है। अब बात करते हैं इसके टाइटल की, सॉलिटरी रीपर का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, सॉलिटरी का मतलब होता है एक एकांत, बिल्कुल लोनली, और रीपर का मतलब होता है फसल काटने वाला, और इस टाइटल का मतलब है एक एकांत फसल काटने वाली। बाकी आगे जब हम पोयम पढ़ेंगे तो टाइटल का मतलब भी समझ में आ जाएगा। तो ये हमारी पोयम का फर्स्ट स्टैंजा है। मैंने आपको बताया 4 स्टैंजास की पोयम है, ये फर्स्ट स्टैंजा है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अब जो मैं बोलूंगा मेरे एक एक वर्ड पे ध्यान देना। बिहोल्ड हर, मतलब ध्यान से देखो उसे। बिहोल्ड का मतलब होता है ध्यान से देखना। सिंगल इन द फील्ड, खेत में एकदम अकेली। यहां पे फील्ड का मतलब है खेत। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, देखो उसे खेत में एकदम अकेली। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लैस, वो अकेली एकांत में पहाड़ी लड़की। यहां पे यॉन का मतलब है यॉन्डर, और सॉलिटरी तो मैंने आपको बता ही दिया है एकांत, और हाईलैंड स्कॉटलैंड की एक जगह है, एक तरह से मान लो पहाड़ी जगह है, और लेस का मतलब है एक लड़की, गर्ल। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लैस, वो अकेली एकांत में पहाड़ी लड़की। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, फसल काट रही है और अपने आप में ही कुछ गा रही है। रिपिंग का मतलब मैंने आपको बताया फसल काटना होता है। स्टॉप हियर, या तो यहां पे खड़े होकर के देख लो और जेंटली पास, या फिर चुपचाप जेंटली यहां से निकल जाओ या चले जाओ। अलोन शी कट्स एंड बाइंड द ग्रेन, वो अकेले ही काट रही है और फसल को बांध रही है। बाइंड्स का मतलब होता है बांधना। एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन, और एक दुख भरा गाना गा रही है। ये मेलंकली का मतलब होता है दुख भरा, और स्ट्रेन का मतलब होता है गाना। ओ लिसन, सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, उस पूरी घाटी में उसके गाने का एक गहरा असर महसूस किया जा सकता है। यहां पे वेल का मतलब है वैली, यानी कि घाटी। प्रोफाउंड का मतलब है गहरा। तो आई होप फर्स्ट स्टैंजा यहां पे क्लियर है। हम लोग सेकंड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, किसी नाइटिंगेल ने भी कभी ऐसा नहीं गाया होगा। यहां पे नाइटिंगेल एक टाइप का पक्षी है दोस्तों, एक बर्ड जो गाना गाता है। मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हंट अमॉन्ग अरेबियन सैंड्स, वेलकम करने के लिए एक ट्रेवलर्स के थके हुए ग्रुप को। यहां पे वियरी बैंड्स का मतलब है थका हुआ ग्रुप। ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हंट, ट्रेवलर्स का थका हुआ ग्रुप जो कि एक छाया वाली जगह पर आराम कर रहा है अरब की रेत में, यानी कि अरब के रेगिस्तान में, अमोंग अरेबियन सैंड्स। आगे पॉइंट बोलता है अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड, मतलब ऐसी बेचैन कर देने वाली आवाज, थ्रिलिंग वॉइस, बेचैन कर देने वाली आवाज पोएट ने कभी नहीं सुनी, नेवर वॉज हर्ड। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, स्प्रिंग टाइम में जो कुकू बर्ड गाती है उसके मुंह से। कुकू बर्ड भी नाइटिंगेल की तरह एक बर्ड है जिसका काम भी होता है गाना। आगे पोएट लिखते हैं ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, कुकू बर्ड की आवाज जो कि समुद्रों की शांति को भी तोड़ सकती है। Among the farthest Hebrides, Hebrides एक जगह है स्कॉटलैंड में, एक तरह से एक आइलैंड है।
आगे पार्ट लिखते हैं, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है। परहैप्स, शायद द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, वो कोई दुख भरा गाना गा रही है, दुख भरे गाने गा रही है। प्लेंटिव नंबर्स का मतलब है दुख भरे गाने। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, अब ये दुख भरा गाना किसी पुरानी बात के लिए हो सकता है, कुछ हो सकता है कुछ बुरा हुआ हो इस लड़की के साथ में, या फिर शायद ये किसी पुरानी लड़ाई के बारे में गा रही होगी। बैटल्स लॉन्ग अगो, पुरानी लड़ाई के बारे में। और इज इट सम मोर हम्बल ले, या फिर ये कोई हम्बल ले गा रही है। हम्बल ले का मतलब कोई नॉर्मल सा ही कुछ डे टू डे सॉन्ग गा रही है। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या फिर कोई फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे। सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन, कोई प्राकृतिक आपदा हुई हो, कोई प्राकृतिक लॉस हो, दर्द हो, उसके लिए गा रही होगी। दैट हैज बीन, जो हो चुका है, एंड मे बी अगेन, और आगे भी हो सकता है। अब ये लास्ट स्टैंजा है तो इसको गौर से सुनना। वॉट एवर द थीम, थीम चाहे जो कुछ भी हो। द मेडन संग, जो उस यंग लड़की ने गाना गाया, उस गाने की थीम चाहे जो कुछ भी हो। मेडन का यहां मतलब है यंग लड़की। As if her song could have no ending, ऐसे लग रहा है जैसे उसके गाने का कोई अंत ही नहीं है। I saw her singing at her work, मैंने उसे गाते देखा जब वो अपना काम कर रही थी। And over the sickle bending, और वो उस वक्त झुक करके अपनी सिकल से फसल काट रही थी। सिकल एक टाइप का औजार होता है जिससे फसल काटी जाती है। I listened motionless and still, मैं बस स्थिर होकर के चुपचाप उसे सुनता रहा। Motionless का मतलब होता है स्थिर, चुपचाप। And as I mounted up the hill, और फिर मैंने उसे डिस्टर्ब किए बिना पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। The music in my heart I bore long after it was heard no more, वो म्यूजिक सीधा मेरे हृदय को, मेरे दिल को जाकर लगा, हालांकि मुझे वो आवाज अब सुनाई नहीं देगी, लेकिन उसे मैं अभी भी महसूस कर सकता हूं, क्योंकि वो अब मेरे हृदय में जाकर के बस गई है, मेरे दिल में जाकर के बस गई है।